नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता बीरभद्र सिंह का सत्तासी साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया है पूर्व सीएम के निधन की पुष्टि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने की इससे पहले सोमवार को हार्ट अटैक आने के बाद वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था अस्पताल में वीरभद्र सिंह की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी इस वजह से उन्हें आई में शिफ्ट किया गया वीरभद्र सिंह यहाँ वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे आई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने कहा कि सिंह की हालत खराब थी पहले से ही लेकिन स्थिर बनी हुई थी और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल के सी रहे तेईस अप्रैल से ही मेडिकल निगरानी में थे उन्हें तेरह अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी इसके बाद उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था तेईस अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी के बाद शिमला आ गए थे यहाँ आने पर उन्हें फिर से सांस लेने में दिक्कत हुई फिर आईजीएमसी में एडमिट कराया गया उन्हें 11 जून को फिर से कोरोना का संक्रमण हो गया हालांकि फिर वह इससे उबर चुके थे यानी कि दो बार उन्होंने कोरोना को मात दी थी वीरभद्र सिंह नौ बार विधायक रहे साथ ही वो पांच बार सांसद भी चुने गए उन्होंने छह बार सीएम के रूप में राज्य की बागडोर संभाली मौजूदा समय में वह सोलन जिले से अर्की से विधायक थे तो इस तरीके से वीरभद्र सिंह को लोग याद करेंगे एक परिपक्व नेता के रूप में तो आप रहिए ना बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें